रतलाम जिले के एक पुलिस आरक्षक से गाली गलौज करने वाले एसडीएम के बाबू के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रतलाम के कलेक्टर ने बाबू को निलंबित कर दिया है। रतलाम जिले के एसडीएम कार्यालय में पदस्थ बाबू को पुलिस आरक्षक से गाली गलौज करना भारी पड़ गया। शिकायत के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया है। दरअसल थाना रिंगनौद पर पदस्थ आरक्षक राकेश पाटीदार ने एक समन्स तामील करने के लिए तत्कालीन एसडीएम के लीडर संजय जैन को फोन लगाया। इस पर संजय जैन ने आरक्षक से फोन पर अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए अपशब्द कहे। यही नहीं, गालियां भी दी गयी, जिस पर आरक्षक ने थाना प्रभारी रिंगनौद और पुलिस अधीक्षक रतलाम को पूरे मामले की शिकायत सबूत के साथ की, जिसके बाद पुलिस ने लीडर संजय जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। वहीं कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने सख्त कार्रवाई करते हुए लीडर संजय जैन को निलंबित कर दिया है। ये मामला थाना रिंगनौद का है। थाना रिंगनौद में आरक्षक राकेश पाटीदार पदस्थ है। राकेश पाटीदार को एक समन्स तामील हेतु प्राप्त हुआ था। ये समन्स तात्कालीन एसडीएम रीडर संजय जैन का था। ये जो वारंट था, ये अति आवश्यक वारंट था और 25 लिस्टेड हाईकोर्ट केसेस के संबंध में जावरा न्यायालय द्वारा जारी किया गया था। दिनांक 3 तारीख को लगभग 8 बजे के आसपास संजय जैन को राकेश पाटीदार ने जब कॉल किया तो उनके द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया। पुनः उसने 10:30 बजे जब कॉल किया तो राकेश पाटीदार को कॉल जैसे रिसीव होता है तो संजय जैन द्वारा वारंट के संबंध में कोई चर्चा नहीं की जाती है और उनके द्वारा राकेश पाटीदार के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए माँ बहन की नंगी नंगी गालियाँ दी जाती है उन्हें और सस्पेंड करवाने की धमकी दी जाती है। इससे वो आरक्षक काफ़ी आहत हुआ। उसके द्वारा एक आवेदन पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और थाना प्रभारी महोदय के नाम से दिया गया है, जिसको संज्ञान में आते ही मामला 186, 187, 189, 294, 507 IPC के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना में लिया है। और चूंकि ये मामला जब कलेक्टर साहब की संज्ञान में आया तो उनके द्वारा भी विभागीय कार्रवाई करते हुए उक्त आरोपी संजय जैन को निलंबित किया है।